कश्यप। बाड़मेर राजस्थान, पाकिस्तान से बलून आया, वायुसेना ने उसे जमींदोज जरूर कर दिया है, लेकिन मामला तूल पकड़ता चला जा रहा है। क्योंकि एक तरफ रक्षा मंत्रालय ने पाकिस्तान की इस हरकत पर नाराजगी जाहिर की है, तो दूसरी तरफ विदेश मंत्रालय को यह कह दिया है कि जवाब तलब किया जाए इस पर पाकिस्तान से। 26 जनवरी की सुबह देश अपना 67वां गणतंत्र दिवस मना रहा था। दिल्ली के राजपथ पर भारत की आन बान और शान के साथ परेड चल रही थी, तो वहीं दिल्ली से करीब 750 किलोमीटर दूर राजस्थान के बाड़मेर इलाके में पाकिस्तान की सरहद से उड़ते हुए आए थे साजिश के गुब्बार। पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं ने गणतंत्र दिवस पर देश को दहलाने की साजिश रची। ऐसे में ये गुब्बारे नजर आए तो हलचल मच गई। बाड़मेर की सीमा में ये गुब्बारे पाकिस्तान की तरफ से आए थे। हीलियम गैस से भरे ये गुब्बारे आसमान में 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे थे। गुब्बारों का व्यास करीब 3 मीटर था। गुब्बारों पर हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ था। गुब्बारों की खबर बाड़मेर के वायुसेना स्टेशन को दी गई। वायुसेना पहले से अलर्ट पर थी। सूचना मिलने पर सुखोई विमान ने एक्शन के लिए उड़ान भर ली। सुखोई के 30 mm गन से गुब्बारों पर फायरिंग की गई। करीब 100 राउंड फायर करने के बाद भी जब गुब्बारा बेअसर रहा तो सुखोई से मिसाइल दागी गई, जिसके बाद गुब्बारा फटकर जमीन पर आ गिरा। आसमान से उड़ते गुब्बारे जब जमींदोज हुए तो उनमें से ये कोन की तरह का मलबा मिला, लेकिन इसमें कोई कैमरा नहीं पाया गया। पता है कि करीब 1 बजे के आसपास कोई हवाई जहाज ऊपर से निकला और इसी दौरान कुछ संदिग्ध हवाई जहाज से कोई ऐसी वस्तु गिरी जिसे नीचे गिरने पे धमाका सा हुआ। इस सूचना पे या मौके पे पहुंचे तो टोटल 6 जगह छोटे छोटे खड्डे से हो रखे हैं और उसमें कोई धातु नुमा वो कोई वस्तु है वो निकली है। क्या है इस बारे में अभी कुछ स्पष्ट नहीं है। ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान की तरफ से भारत को चिढ़ाने के लिए ये गुब्बारे भेजे गए। गणतंत्र दिवस के मौके पर जहां पूरा देश हाई अलर्ट पर था, ऐसे में सरहद पार से इस तरह की गुस्ताखी पर भारत ने कड़ा ऐतराज जताया है। सूत्रों के मुताबिक रक्षा मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय को वायुसेना की रिपोर्ट दे दी है। साथ ही विदेश मंत्रालय से कहा है कि इस मामले पर पाकिस्तान से जवाब मांगा जाए ताकि भविष्य में पाकिस्तान इस तरह की हरकतों से बाज आए। पाकिस्तान के साथ फिलहाल भारत की बातचीत अटकी हुई है, लेकिन सरहद पार से बर्थडे बलून की घुसपैठ से मामला गर्मा गया है। वायुसेना ने इस घुसपैठ को नाकाम तो कर दिया है, लेकिन रक्षा मंत्रालय विदेश मंत्रालय के जरिए बलून की इस घुसपैठ के मामले को पाकिस्तान के सामने उठाएगा। उधर इस मामले में वायुसेना ने बयान जारी किया है। बयान में कहा गया है कि 26 जनवरी 2016 को भारतीय वायुसेना के रडार ने जैसलमेर इलाके में उड़ती हुई अनजानी चीज देखी। एयरफोर्स के फाइटर जेट ने उसे देखा तो पाया कि 3 मीटर व्यास वाला गुब्बारा है। उच्च स्तर के सुरक्षा अलर्ट की वजह से गुब्बारे को मार गिराया गया, क्योंकि इसमें विस्फोटक भी हो सकता था। गुब्बारे के मलबे से कोई खतरनाक विस्फोटक बरामद नहीं हुआ है। गणतंत्र दिवस पर पाकिस्तान की तरफ से राजस्थान की सीमा में भेजे गए गुब्बारों में न तो विस्फोटक मिला और न ही कोई कैमरा लगा हुआ। सवाल उठता है कि इन गुब्बारों को भेजने के पीछे क्या मकसद था। जब पूरे देश में हाई अलर्ट था तो इस तरह की जुर्रत करने की कोशिश किसने और क्यों की। इन सवालों के जवाब मांगने की तैयारी पाकिस्तान से की जा रही है। दिल्ली में मंजीत नेगी के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक। अभी 2 जनवरी को पठानकोट में एयरबेस पर आतंकी हमला हुआ था। जैश ए मोहम्मद ने गणतंत्र दिवस पर इस तरह से खतरे की घंटी बजाई थी, पूरे देश में हाई अलर्ट था। लेकिन अब ये जानकारी एक बार फिर से परेशान करी, ये गुब्बारे थे कितने जो हिंदुस्तान में भेजे गए थे, ये गुस्ताखी आखिर है क्या, इसका मतलब क्या है, आइए आपको बताते हैं। क्योंकि अभी तक जो जानकारी आ रही है पाकिस्तान से कुल कितने बलून आए इस पर स्पष्टता नहीं है। वायुसेना का कहना है एक बलून की जानकारी दी, लेकिन भारतीय सीमा में आए 4 बलून्स कुल, क्योंकि ये सूत्रों के मुताबिक जो खबर आ रही है। तो आखिर कितने बलून आए, बाड़मेर में बलून भेजने का आखिर मकसद क्या है, किस वजह से बलून हवा में आसमान में, क्या मकसद हो सकता है। मार्च में इस इलाके में होगा वायुसेना का युद्ध अभ्यास,
क्या इसकी वजह से नजर रखी जा रही है युद्ध अभ्यास में जो शामिल हो सकते हैं प्रधानमंत्री और खुद राष्ट्रपति भी, तो क्या इस तरह के लोगों के वहां पहुंचने की वजह से कोई साजिश रची जा रही है, जानकारी हासिल करने की ये कोशिश है? बाड़मेर से सटा पाकिस्तान का इलाका आतंक का गढ़ माना जाता है, ऐसे में ये कई सारे बुनियादी सवाल हैं जिनको लेकर अब जानकारी हासिल करने की कोशिश की जा रही है। क्या बलून से जासूसी हो रही थी? सबसे महत्वपूर्ण यही है कि क्या बलून से जासूसी हो रही थी, और ये शायद वो है मामला जिसको लेकर सबसे ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं, और इसीलिए पाकिस्तान के सामने एतराज होकर भी आज विदेश मंत्रालय ने, रक्षा मंत्रालय ने अपनी बात रखी है। आइए अब आपको दिखाते हैं अपनी इस रिपोर्ट में कैसे आज सुबह हुई, कैसे राजस्थान का बाड़मेर दहल उठा इन धमाकों से।